नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट विद गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल नीट यूजी 2024 काउंसलिंग का जो सेकेंड राउंड शीट आवंटन परिणाम घोषित कर दिया गया है और उसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज हैं, इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले पश्चिम बंगाल में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने मंगलवार को वेस्ट बंगाल नीट यूजी 2024 काउंसलिंग राउंड सेकेंड में शीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया। काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए इस वेबसाइट वेस्ट बंगाल की वेबसाइट पर जाकर राउंड सेकेंड के लिए वेस्ट बंगाल नीट यूजी 2024 शीट आवंटन परिणाम देख सकेंगे। उम्मीदवार अपने नीट यूजी 2024 के रोल नंबर और पासपोर्ट का उपयोग करके वेस्ट बंगाल नीट 2024 आवंटन पत्र जांच कर और डाउनलोड कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को काउंसलिंग के दूसरे दौर में सीट आवंटित की गई हैं, अब 25 सितंबर से 26 सितंबर और 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2024 के सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा और उम्मीदवारों को भौतिक दस्तावेजों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए अपेक्षित मूल दस्तावेज ले जाने होंगे। एक बार सफलतापूर्वक पुनः सत्यापन और सत्यापन के बाद उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में प्रवेश मिल जाएगा।